गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं वरुण सिंह। आपके एग्जाम्स जो सीबीएसई क्लास 10th के साइंस का एग्जाम है, उसके लिए आज हम प्लास्टर ऑफ पेरिस से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताने जा रहे हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये भी आपका मोर अबाउट सॉल्ट से ही संबंधित है। तो बच्चों, मोर अबाउट सॉल्ट जो है बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक है और इसको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर 5 दैट इज अबाउट प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस से इंपॉर्टेंट सवाल आपको बताने जा रहे हैं, तो इस हमारे वीडियो के अंत तक आप बने रहेंगे। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो पहला प्रश्न है वो हमारा है कि व्हाइट पाउडर इज यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन। ये व्हाइट पाउडर है जो कि डॉक्टर द्वारा यूज होता है, क्यों? टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन, टूटे हुए हड्डियों के सपोर्ट के लिए। इसमें आपको जवाब देना है, राइट द नेम एंड केमिकल फार्मूला ऑफ द पाउडर। केमिकल फार्मूला और उसका नेम देना है उस पाउडर का जो डॉक्टर यूज करते हैं। इसके बाद इसके प्रिपरेशन मेथड को आपको बताना है, हाउ इज दिस पाउडर प्रिपेयर। ये पाउडर कैसे तैयार होता है। सी आपको बताने हैं कि व्हेन दिस पाउडर इज मिक्स्ड विथ वाटर, जब इस पाउडर को वाटर के साथ मिलाया जाता है, ए हार्ड सॉलिड मास इज ऑब्टेन। एक हार्ड ठोस सॉलिड मास ऑब्टेन होता है, और राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर दिस चेंज। इस चेंज के लिए आपको संतुलित रासायनिक समीकरण लिखने हैं। यू हैव टू राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन ऑफ दिस चेंज। एंड डी इज गिव वन और मोर यूज ऑफ दिस पाउडर, एक या एक से अधिक यूज दे इस पाउडर। तो बच्चों, फर्स्ट प्रश्न है व्हाइट पाउडर जिसका डॉक्टर यूज करते हैं फ्रैक्चर्ड बोन को सपोर्ट करने के लिए, उसका नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, तो ए का जो आंसर है दैट इज ए, इसका जो आंसर है वो क्या है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको पीओपी भी लिखा जाता है। और इसका केमिकल फार्मूला है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट 1/2 H2O, मतलब CaSO4 कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज द फार्मूला। अब ये पाउडर प्रिपेयर कैसे किया जाता है। बी इज व्हाट, it is obtained by heating gypsum, by heating gypsum, gypsum को heat करके ये तैयार किया जाता है, जो कि आपके B number का ये answer है। it is obtained by heating gypsum to a temperature of 100 degree centigrade या 373 केल्विन टेम्परेचर पर इसको रखा जाता है। बच्चों, यहाँ टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर ऊपर हुआ तो सारे वाटर जो है वो लॉस कर जाएंगे। दैट इज, अगर प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाना है तो आपको बनाना है कहाँ से, जिप्सम से। जिप्सम का फॉर्मूला CaSO4 एंड 2H2O मॉलिक्यूल्स, इसको हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हीट करते हैं, दैट इज और 373 केल्विन, यू विल गेट कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट 1/2 H2O। दिस इज योर प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड 1/2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर एस्केप्स। और यही आपका हो गया प्लास्टर ऑफ पेरिस। दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये पूरा। सी इज व्हेन दिस पाउडर इज मिक्स्ड विथ वाटर, जब इस पाउडर को क्या करते हैं, मिक्स विथ वाटर, ए हार्ड सॉलिड मास इज ऑब्टेन। अब सी ऑप्शन में इस पाउडर को आप पानी के साथ मिक्सअप कीजिए। ये पाउडर कौन है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, दिस इज योर प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको मिक्स करते हैं वाटर, उतना ही वाटर देखिए जो यहाँ पर जिप्सम को हीट करते समय जो वाटर स्केप हुआ, 1/2 दैट इज 3/2 H2O। इसमें क्या करेंगे हम, 3/2 H2O, और यू कैन राइट दिस
1 1 by 2, इसको आप इतना भी लिख सकते हैं और आप यूज कर सकते हैं 1 1 and a half, मतलब डेढ़ मोल 1 1 by 2 H2O. ओके, देन यू विल गेट ए हार्ड सॉलिड मास दैट इज कॉल्ड जिप्सम. दिस इज हार्ड सॉलिड मास, जिप्सम हार्ड मास. ये हो गया जिप्सम, क्या है हार्ड सॉलिड मास, हार्ड सॉलिड मास. ओके, एंड राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन. ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन भी हो गया. राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन डी, यू हैव टू गिव वन और मोर यूज ऑफ दिस पाउडर. इस पाउडर का क्या यूज है? इस पाउडर का जो यूज है वो है इन मेकिंग टॉयज, कास्ट फॉर स्टेचूज एंड वाटर प्रूफिंग मटेरियल में इसका इस्तेमाल किया जाता है. इट इज यूज इन वाटर प्रूफिंग मटेरियल ऑल्सो. प्लास्टर ऑफ पेरिस इज यूज इन नॉट वाटर, नॉट वाटर, दैट इज फायर प्रूफिंग मटेरियल के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है. इसका यूज में क्या लिखेंगे बी में? इट इज यूज इन मेकिंग टॉयज, इन मेकिंग टॉयज, टॉयज के बनाने में. ओके, एंड दूसरा इस्तेमाल है फॉर मेकिंग फायर प्रूफिंग मटेरियल्स. एक इस्तेमाल तो ये हुआ टॉयज के बनाने में या स्टैचू के बनाने में, और इन मेकिंग फायर प्रूफिंग मटेरियल, इन मेकिंग फायर प्रूफिंग मटेरियल, फायर प्रूफिंग मटेरियल, फायर प्रूफिंग मटेरियल के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है, इन फायर प्रूफिंग मटेरियल. ओके, फायर ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है वो है, दिस वाज द क्वेश्चन फ्रॉम प्लास्टर ऑफ पेरिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम प्लास्टर ऑफ पेरिस. नाउ अदर क्वेश्चंस. प्लास्टर ऑफ पेरिस को बच्चों रखा जाता है इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर. ओके, जो कि इस इक्वेशन से आपको बिल्कुल पता चल जाता होगा व्हाई प्लास्टर ऑफ पेरिस इज केप्ट इन ए मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, बिकॉज इट विल सेट इनटू ए हार्ड मास दैट इज एंड फॉर्म्स जिप्सम. नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम प्लास्टर ऑफ पेरिस is, question hai, that is second question. Plaster of Paris should be stored in a moisture proof container, in a moisture proof container, proof container, moisture proof container में इसका explain why, you have to explain why, क्यों? Answer, plaster of Paris in contact with moisture or water changes into solid hard mass.
changes into solid hard mass. सॉलिड हार्ड मास, उसको क्या बोला जाता है बच्चों? जिप्सम, दैट इज जिप्सम. देयरफॉर इट गेट वेस्टेड, सो इट गेट वेस्टेड, सो इट गेट वेस्टेड, और वो बर्बाद हो जाता है, वेस्ट हो जाता है. सो इट्स एंड हेंस इट शुड बी स्टोर्ड इन वाटर प्रूफ कंटेनर, वाटर प्रूफ कंटेनर, इसलिए इसको वाटर प्रूफ कंटेनर में रखा जाता है. ओके, दिस इज द क्वेश्चन. प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर, एक्सप्लेन व्हाई. प्लास्टर ऑफ पेरिस इन कॉन्टेक्ट विथ मॉइस्चर और वाटर चेंजेस टू सॉलिड हार्ड मास, और उस सॉलिड हार्ड मास का नाम है जिप्सम. सो ये जिप्सम बन जाएगा तो फिर उसको सेटिंग प्रॉपर्टी जो है उसकी खत्म हो जाएगी. प्लास्टर ऑफ पेरिस की सेटिंग प्रॉपर्टी विल लॉस्ट व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस चेंजेस टू जिप्सम. जब प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम में बदल जाएगा तो उसकी सेटिंग प्रॉपर्टी नहीं रह पाएगी, एंड सो इट गेट वेस्टेड, हेंस इट शुड बी स्टोर्ड इन अ वाटर प्रूफ कंटेनर, इसलिए इसको वाटर प्रूफ कंटेनर में इसका इस्तेमाल किया जाता है. क्वेश्चन थर्ड, फ्रॉम प्लास्टर ऑफ पेरिस इज ये है, why is the plaster of Paris, why is, this is third question, why is the plaster of Paris, plaster of Paris को लिखा जाता है CaSO4 into half H2O, why is the plaster of Paris, plaster of Paris written as CaSO4 1/2 H2O, इसको क्यों लिखा जाता है इस तरह से? How is it possible to have half a water molecule, half a water molecule of water molecule attached to CaSO4, कैसे ये संभव हो पाता है? Because half molecule, you know, very different, मतलब equation के आधार पर इसको कैसे इतना लिख सकते हैं? Okay, half is two. Right, it's two application. ये आपका question रहता है, right? इट्स टू एप्लीकेशन, इसके दो एप्लीकेशन को लिखिए. ओके, अनुप्रयोग. इसमें होता क्या है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस इज रिटन एज प्लास्टर, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस इज रिटन एज दिस बिकॉज टू फॉर्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम सल्फेट जॉइंस विथ वन वाटर मॉलिक्यूल्स. प्लास्टर ऑफ Paris is written as
कैल्शियम सल्फेट 1/2 H2O मॉलिक्यूल। क्यों ऐसा होता है? बिकॉज टू फॉर्मूला यूनिट, बिकॉज टू फॉर्मूला यूनिट ऑफ CaSO4, टू फॉर्मूला यूनिट ऑफ CaSO4 शेयर्स वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। दो कैल्शियम सल्फेट जो होते हैं शेयर्स वन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, दैट इज ये होता क्या है, टू CaSO4, दो कैल्शियम सल्फेट एक मॉलिक्यूल वाटर को शेयर करता है। सो जब हम इसको ऐसे लिखते हैं तो हम लोग H2O राइट करते हैं SO4, और इसको हम लिख सकते हैं कैसे, कैल्शियम सल्फेट 1/2 H2O, दिस इज ओके। यूजेज ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस इन मेकिंग फायर प्रूफ मेटेरियल, यूजेस इसका यूज क्या होता है, इन मेकिंग टॉयज, इन मेकिंग स्टैचूज, इट इज यूज एज ए फायर प्रूफिंग मेटेरियल। फर्स्ट इट इज यूज एज अ फायर प्रूफिंग मेटीरियल, ये फायर प्रूफिंग मेटीरियल के लिए इस के तरह इसका इस्तेमाल होता है ओके। इट इज यूज्ड इन मेडिकल एप्लीकेशन, आल्सो इन मेडिकल एप्लीकेशन इट इज यूज्ड इन मेडिकल एप्लीकेशन, मेडिकल एप्लीकेशन, ये मेडिकल एप्लीकेशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, नोन एज प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको नोन एज प्लास्टर, नोन एज प्लास्टर, इसको प्लास्टर के रूप में, प्लास्टर फॉर सेटिंग ब्रोकन एंड फ्रैक्चर्ड बोन, फॉर सेटिंग ब्रोकन एंड फ्रैक्चर्ड बोन्स, एंड फ्रैक्चर्ड bones, broken and fractured bones. Okay, in the right position, ताकि वो right position में आ जाए, in right position, right, और dentistry में इसका इस्तेमाल किया जाता है, in dentistry also, position and in dentistry, ये लिख सकते हैं, and in dentistry, okay, ये हो गया बच्चों। प्लास्टर ऑफ पेरिस इज रिटन एज कैल्शियम सल्फेट इनटू हाफ एच टू ओ बिकॉज टू फॉर्मूला यूनिट शेयर फॉर्मूला यूनिट ऑफ CaSO4, दो वो कैल्शियम सल्फेट मिल करके एक वाटर मॉलिक्यूल को शेयर करता है। यहां पर देखिए एक वाटर मॉलिक्यूल है और दो कैल्शियम सल्फेट शेयर करता है। जब इसको हम इस रूप में लिखते हैं, मींस दो ना लिख करके CaSO4, तो हियर बिकम्स हाफ एच टू ओ ओके, ये हो गया। अब प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, हमने यूजेस दिखाया, अब फोर्थ क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पर आपको बेहद हेल्प करेंगे एग्जाम्स में। Now fourth question from plaster of Paris.
Fourth question from Plaster of Paris is, while preparation of Plaster of Paris, fourth question, while preparation of Plaster of Paris, Plaster of Paris preparation के दौरान, the heating of gypsum should be, the heating of gypsum should be, of gypsum should be controlled carefully, should be controlled carefully. देखिए बच्चों, प्लास्टर ऑफ पेरिस निर्माण के दौरान आप जो है जिप्सम को जब भी हीट करेंगे उसको कंट्रोल्ड वे में हीट करेंगे. इसको आपको एक्सप्लेन करना है. यू हैव टू एक्सप्लेन. ओके, तो बच्चों जब जिप्सम से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं तो टेम्परेचर शुड नॉट राइज while preparation of plaster of Paris from gypsum, आपके temperature 100 degree centigrade या 373 Kelvin से अधिक नहीं होना चाहिए. तो while preparation, because सारे water molecule escape कर जाएंगे. While preparation of plaster of Paris from जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण के दौरान हीटिंग शुड नॉट बी अलाउड. हीटिंग उतना नहीं होना चाहिए. टू राइज अबव 373 केल्विन और उसको कहें 100 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक टेम्परेचर पर नहीं कहें. दिस इज बिकॉज व्हेन जिप्सम इज हीटेड अबव इतना बिकॉज व्हेन जिप्सम इज हीटेड अबव 373 Kelvin या 100 डिग्री सेंटीग्रेड, द होल ऑफ द वाटर इज लॉस्ट. द पूरा का पूरा वाटर लॉस्ट कर जाएगा. होल ऑफ द वाटर इज लॉस्ट. पूरे वाटर जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, लॉस्ट कर जाएंगे. पूरे वाटर एस्केप कर जाएगा. होल ऑफ द वाटर इज लॉस्ट एंड एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट इज प्रोड्यूस्ड. एंड क्या होगा, एंड एनहाइड्रस SO4 इज प्रोड्यूस्ड. मतलब कैल्शियम सल्फेट इस तरह से बचेगा एनहाइड्रस, और इसको बोलते हैं डेड बर्न्ड ऑफ प्लास्टर. डेड बर्न्ड प्लास्टर, पूरा का पूरा वाटर मॉलिक्यूल, अगर मान लीजिए कि आप कैल्शियम सल्फेट, दिस इज जिप्सम, अगर आप इसको 373 केल्विन से ऊपर, मतलब यू आर हीटिंग 373 से अबव टेम्परेचर पर, अगर इसको हीट कर रहे हैं तो ये बचेगा कैल्शियम सल्फेट एंड 2H2O एस्केप कर जाएगा. तो ये एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट बचेगा. इसको बोलते हैं हम लोग बच्चों डेड बर्न्ड प्लास्टर. दिस इज कॉल्ड डेड बर्न्ड प्लास्टर. ये डेड बर्न्ड प्लास्टर इसलिए, इसका इस्तेमाल आप प्लास्टर के लिए आप नहीं कर सकते हैं, बिकॉज इट हैज नो प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस. दिस एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट हैज नो प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस. व्हाइल यू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस, अगर आप बनाते हैं जिप्सम को 373 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पर हीट कर देते हैं तो एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट ये बचता है. और ये जो है बिल्कुल डिफरेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस से, बिकॉज इसकी सेटिंग प्रॉपर्टी इज नॉट लाइक दैट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस.
इसकी सेटिंग प्रॉपर्टी जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह नहीं हो पाती है, एंड इट डज नॉट सेट लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये प्लास्टर ऑफ पेरिस की तरह सेट भी नहीं कर पाएगा। सो प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, हीटिंग ऑफ जिप्सम शुड बी कंट्रोल्ड केयरफुली, मतलब इसको डेड बर्ड प्लास्टर बोला, और CaSO4 हैज नो प्रॉपर्टी, एंड CaSO4 दिस इज डेड हैज नो प्रॉपर्टी एज दैट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, एज दैट ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस मीन्स इट विल नॉट सेट लाइक प्लास्टर ऑफ पेरिस, no property as that of plaster of Paris, that and does not set like plaster of Paris, and does not set like plaster of Paris, or plaster of Paris की तरह ये set नहीं कर पाएंगे। Okay, तो बच्चों why preparation of plaster of Paris, यहाँ पर फिर से समझिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के निर्माण के दौरान हीटिंग जिप्सम को जो हीट किया जाता है उसको केयरफुली कंट्रोल्ड वे में हीट किया जाता है, जिप्सम को कंट्रोल्ड वे में हीट किया जाता है। एक्सप्लेन करना है आपको, जब भी आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को हीट करते हैं, जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस को हम बनाते हैं, नॉट जब भी हम प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाते हैं, व्हाइल प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनाते हैं, जिप्सम से, तो हीटिंग को हम अलाउ करते हैं कि 373 केल्विन रहे। अगर जैसे 373 केल्विन से ऊपर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूरे वाटर मॉलिक्यूल्स जो होंगे, होल ऑफ वाटर इज लॉस्ट, पूरे वाटर उड़ जाएंगे। देखिए यहाँ पर जिप्सम को 373 केल्विन के ऊपर हीट किया गया तो सारे वाटर लॉस्ट कर गए, और ये जो है एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, जिसको डेड बर्न प्लास्टर भी कहा जाता है, वो बच जाता है। एंड This dead burnt plaster has no property as that of plaster of Paris. और dead burnt plaster calcium sulfate जो है, dead burnt calcium sulfate has no property as that of plaster of Paris. इसकी property plaster of Paris की तरह अब नहीं रह जाती है, और ये plaster of Paris की तरह set भी नहीं कर पाएगा। तो इसलिए जब भी हम plaster of Paris को gypsum से बनाते हैं तो उसकी heating को carefully controlled way में करते हैं, ताकि इतना से अधिक टेम्परेचर ना हो पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस मिक्सेस विथ वाटर। फिफ्थ क्वेश्चन इज व्हाट हैपेंस व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस मिक्सेस विथ वाटर। क्या होता है जब प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या करता है, मिक्सेस विथ वाटर। ओके, व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस मिक्स विथ वाटर इट फॉर्म्स ए पेस्ट, दैट इज ये पेस्ट बनाता है। जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को हीट किया जाता है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी के साथ मिलाया जाता है, व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस Mixes with water. जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को मिक्स करते हैं वाटर से, ओके, इट फॉर्म्स पेस्ट, ये पेस्ट बनता है जो कि सेट कर जाता है, इट फॉर्म्स पेस्ट।
which set into hard mass. It forms a paste which set into hard mass, which set into hard mass, जो सेट करता है हार्ड मास के रूप में, जिसका नाम होता है जिप्सम, हार्ड मास, एंड दिस इज कॉल्ड सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसको कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस इसको बोलते हैं, सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। That is, setting of plaster of Paris क्यों होता है? Due to hydration of gypsum. आप लिख सकते हैं, setting of plaster of Paris, setting of plaster of Paris, hydration मतलब पानी के मिलने से, Paris is due to hydration of water, hydration of water. Setting of plaster of Paris is due to hydration into gypsum. Hydration into gypsum, not hydration into gypsum. Okay, जैसे कि this is your plaster of Paris, you can write this way also, H2O. और इसमें क्या होता है, इसमें 3H2O ये भी apply कर सकते हैं। अगर हम इस तरह से लिखते हैं लाइक दिस, ये देखिए बच्चों, तो यहां पर अगर कैल्शियम सल्फेट, दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर 1, 1 एंड 2 H2O, दिस गिव्स व्हाट, दिस गिव्स यू जिप्सम, CaSO4 इनटू 2H2O, दिस इज जिप्सम। और बच्चों इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, CaSO4, this is 2 units of plaster of Paris share 1 molecule of water. 2 units plaster of Paris क्या करता है, 1 unit water molecules use करता है, and यहाँ पर 3H2O, this will form what, 2 CaSO4 into 2H2O, this is gypsum. Both equation are same. Okay. तो क्या यहां पर बताया जा रहा है बच्चों कि क्या होता है, व्हाट हैपेंस व्हेन प्लास्टर ऑफ पेरिस मिक्सेस विद वाटर। तो जब प्लास्टर ऑफ पेरिस में मिक्स होते हैं पानी, ये एक पेस्ट का निर्माण होता है, और जो कि एक कठोर मास के रूप में सेट कर जाता है, दिस इसको बोलते हैं सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, दिस इज कॉल्ड, दिस इज सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। सेटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों हुआ, क्योंकि ड्यू टू हाइड्रेशन इन टू जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हाइड्रेशन हो गया जिप्सम में, दिस इज जिप्सम, दिस इज जिप्सम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हाइड्रेशन, बोथ इक्वेशन आर सेम, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये हाइड्रेशन हुआ तो जिप्सम हो गया, दिस इज जिप्सम, ये जिप्सम है बच्चों, और ये प्लास्टर ऑफ पेरिस के हाइड्रेशन से हुआ जिप्सम, दिस इज प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो एसिड बेसिस एंड सॉल्ट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम प्लास्टर ऑफ पेरिस इतना ही है, और इस प्लास्टर ऑफ पेरिस से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप बेहतर ढंग से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और बच्चों अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे आपसे हम ब्लीचिंग पाउडर के साथ। तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियोज, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल, थैंक यू।